परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है। उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां आखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रचना वांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्नियां भी संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आखरी अर्थ अपलोड करते हैं। आओ अज सतगुरु जी की बख्शिश करते हैं कि रहमत करते हैं, सरवण करिए। अज दा मुखवाक निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी रसना तो राग सोरठ विच उचारण किया होया है। महाराज की बख्शिश करते हैं, आओ सरवण करिए। सलोक महला तीजा। परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने। साखी तो भाविया सिक्ख्या दे बचन। महाराज कहते महापुरख रब नाल जुड़े हुए संत महात्मा किसी के संबंध में सिक्ख्या के बचन बोलते हैं, पर वो सिक्ख्या सारे संसार लिए सांझी होती है। बोलते एक के संबंध में है, किसी एक को संबोधन करके, पर उसदे विचों सिक्ख्या हर एक को मिलती है। उन्हां दे बोल अजाई नहीं हुंदे, उन्हां दे बोल सिक्ख्या देने वाले हुंदे हन। गुरमुख होए सो भौ करे, अपना आप पछाणे। महाराज कहते जो मनुख सतगुर के सन्मुख होंदा है, गुरमुख होए सो भौ करे। जिहड़ा गुरु के सन्मुख होंदा है वो सुन के परमात्मा का डर हिरदे विच धारण कर लैंदा है, अपना आप पछाणे ते अपने आप की खोज करदा है। जिन्हों महाराज कहते बंदे खोज दिल हर रोज। ये जदों असी गुरुद्वारा साहब आवांगे, जदों गुरु जी के सन्मुख होवांगे, फिर महाराज सानू कहणगे ऐ बंदिया ऐ मना अपने अंदर दी खोज कर भी तू कौन है, तू इस संसार विच की करन वास्ते आया है। अपने मन की खोज करके देख बंदे, खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। जे अपने आप की खोज करेगा, अपने मन की खोज करेगा, फिर तेनों जिंदगी विच कोई परेशानी नहीं होएगी, तू हमेशा लई सुखी हो जाएगा। महाराज कहते मन की खोज उही करते हैं जिहड़े गुरु के सन्मुख हो के परमात्मा का डर परमात्मा का भाव अपने हिरदे विच धारदे हन। गुर प्रसादी जीवत मरै, ता मन ही ते मन मानै। गुर प्रसादी जीवत मरै, गुरु की कृपा नाल ओ जीव संसार विच वरतदा होया ही माया वलों उदास रहिंदा है। जीवत मरै तो भाव है जिउंदे जी वो अपने आप नूं गुरु के शब्द तो मार लैंदा है, गुरु का शब्द ग्रहण कर लेंदा है, माया वलों मर जाता है। उहदे उत्ते माया प्रभाव नहीं पाउंदी, वो माया वलों उदास हो जाता है। ता मन ही ते मन मानै, ता उसका मन अपने आप विच पतीज जाता है। बाहर भटकनों हट जाता है। जिनको मन की प्रतीत नाही, नानक से क्या कथ है ज्ञानै। धन गुरु अमरदास महाराज कह रहे हैं जिन्हां दा मन भतीजिया नहीं, जिन्हां दा मन बाहरों भटकणों तो हटिया नहीं, जिन्हां दा मन माया विच गलतान है, उन्हां नूं ज्ञान दीआं गल्लां करन दा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि वह मुख तो ज्ञान दीआं गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जाण, गल उदों ही बनेगी जदों उहदा मन भी ज्ञान दीआं गल्लां कबूल करे, जदों उहदा मन मन जाए। जिद्दण मन मन गया उदण तेरे ज्ञान दीआं गल्लां कीतियां दा भी लाभ है, नहीं तां मुख तो ज्ञान दीआं गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जा, सियाणीआं गल्लां करी जा। दूजे नूं उपदेश देना सौखा है, पर अपने मन नूं समझाना बहुत औखा है। जिन्हां ने अपने मन नूं समझाया उन्हां ने एक बोल बोलिया, दुनिया उन्हां दीआं गल्लां मनदी है, क्योंकि उन्हां ने अपने मन नूं मार लिया। इत्थे महाराज यही कहंदे है, भाई जे मारना है तां अपने मन नूं मार, अपने मन नूं ज्ञान दीआं गल्लां समझा। जे तेरा मन नहीं मरिया, तेरा मन माया विच ही फसिया होया है, तां तेरे ज्ञान दीआं गल्लां करन दा कोई लाभ नहीं है। महला तीजा। गुरमुख चेतना लायो, अंत दुख पहुता आए। धन गुरु अमरदास महाराज कहते जिन्हां मनुखा ने सतगुरु के सन्मुख होके हरि विच अपना मन नहीं जोड़िया, उन्हां नूं आखिर दुख व्यापता है। पहुता तो भाव है वापरदा है, वो दुख विच ही रहिंदे हन जिन्हां ने अपने मन नूं हरि दे नाल नहीं जोड़िया। अंदरों बाहरों अंधियां सुध ना काई पाए। उन्हां अंदरों ते बाहरों अन्नियां नूं कोई समझ नहीं आउंदी, वो बेसमझ हुंदे हन जिहड़े हरि नाल नहीं जुड़दे। पंडत तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रते हर नाए। महाराज कहंदे हे पंडत, उन्हां दी कमाई दी बरकत सारा संसार खांदा है, जो मनुख हरि दे नाम विच रते होए हन, रंगे होए हन। देखो किड्डी वड्डी बख्शिश महाराज ने कीती। महाराज कहंदे जिहड़ा परमात्मा दे नाम दी कमाई करदा है, जिहड़ा परमात्मा दे नाम विच रंगिया जांदा है, उन्हां दी कमाई पूरा संसार खांदा है, उन्हां दी बरकत सारा ही संसार खांदा है। जिन गुर कै शब्द सलाहिया, हर स्यों रहे समाए। जिन गुर कै शब्द सलाहिया, जिन्हां ने सतगुर दे शब्द दे राही सिफत सलाह कीती, परमात्मा दी सलाह कीती, परमात्मा दी वडियाई कीती। हर स्यों रहे समाए ते हरि दे विच लीन हन, ਉਹੀ परमात्मा दे नाम विच रंगे गए, ਜਿਹੜੇ गुरु दे राही परमात्मा दी ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। पंडित दूजे पाए बरकत ना होवई, ना धन पल्ले पाए। महाराज ਕਹਿੰਦੇ हे पंडित, माया ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਿਹਾ बरकत नहीं हो सकती, बख्शिश नहीं हो सकती, तेरी जिंदगी विच सुख नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता। पंडित दूजे भाए बरकत ना होवे, माया दे मोह विच फस के परमात्मा तो बिना किसी दूसरे नाल प्यार पा के, याद रखी तेरी जिंदगी विच बरकत नहीं आ सकती। आत्मक जीवन वधदा फुलदा नहीं, ना होवे ना धन पल्ले पाए, ते ना ही नाम धन मिलता है, ना ही वाहिगुरु जी के नाम की दात प्राप्त होती है, जेड़ा धन पूरी सृष्टि तो श्रेष्ठ है। दुनिया बड़े धन है, कोई कंट्री कह रही है साडा धन बहुत उच्चा, साडी करंसी उच्ची है। कोई कहंदा साडी करंसी उच्ची है। पर महाराज कहंदे जिहड़ा परमात्मा दा नाम दा धन है, ये नाम दे धन बरोबर कोई भी दुनिया विच करंसी नहीं है। परमात्मा दा धन बहुत उच्चा है ते यह उच्चा धन उदों ही मिलदा जदों साडे माया दा मोह खत्म हो जाए, जदों साडा प्यार परमात्मा दे नाल पै जाए। फिर गुरु बख्शिश कर देवे, परमात्मा जी रहमत कर देण, तां किते नाम दी प्राप्ति हुंदी है। पढ़ थके संतोख ना आयो, अन दिन जलत बहाए। पढ़ के थक जाते हैं पर संतोख नहीं आता। जिन्हां दा प्यार प्रभु जी नाल नहीं है, परमात्मा जी नाल नहीं है, पढ़ थके संतोख ना आयो। बड़े पढ़ते हैं पर थक जाते हैं। कल्ला ज्ञान दीआं गल्लां पढ़न दे नाल नहीं गल बननी। जिन्ना चिर उन्हों असली जामा नहीं पनाउंदे, भाव अपने मन नूं नहीं समझाउंदे, ज्ञान दीआं गल्लां दे मुताबक अपना मन नहीं चलाउंदे, उन्ना चिर मन नूं संतोख नहीं आ सकदा। मन भटकदा ही रहेगा। सहस कटै लख को उठतावै, तृप्त ना आवै माया पाछे पावे। इहदे को लखां रुपया होएगा पर इहदा मन फिर करेगा मेरे को करोड़ां होवे, मेरे को होर माया होवे। पर महाराज कहंदे परमात्मा दे नाम तो बिना संतोख नहीं जिंदगी च आ सकदा। अन दिन जलत बहाए, ते हर वेले हर उम्र विच सड़दियां ही उहदी जिंदगी गुजरदी है। वह हर वेले सड़दियां रहिंदा है, माया दी अगन विच जलदा रहिंदा है। कूक पुकार ना चुकई, ना संसा विचों जाए। कूक पकार रोना चीकना, संसा तोखला। महाराज कहंदे उन्हां दी गिला गुजारी मुकदी नहीं, उन्हां दा रोना धोना मुकदा नहीं। कूक पुकार ना चुकई, ना संसा विचों जाए, ते ना ही मन विचों चिंता जाती है। संसा तो भाव है चिंता, तोखला। उन्हां दे मन विच हमेशा ही चिंता रहिंदी है। जिन्ना मर्जी उन्हां कोल पैसा होवे, जिन्ना मर्जी धन दौलत होवे, धन दौलत इंसान नूं सुख नहीं दे सकदे। बाहरले पदार्थ ये इंसान दे मन नूं शांति नहीं दे सकदे। ते जिन्ना चिर मन नूं शांति नहीं मिल सकदी, जिन्ना चिर मन सुखी नहीं हुंदा, उन्ना चिर तन नूं जिन्ना मर्जी सुख करी जाओ, जिन्ना मर्जी सुखी करी जाओ। ते गुरमुखो उन्ना चिर तुहाडे मन दी चिंता नहीं खत्म होएगी। जे ठंडा करना अपने मन नूं कर, तन नूं एसी थल्ले ठंडा करन नाल तेरा मन ठंडा नहीं होना। तन नूं सुख सहूलतां देण नाल तेरा मन नहीं रज जाना। जे चाहुंदा है वे मन दी तृप्ति हो जाए, मन रज जाए, फिर परमात्मा दे नाम विच अपनी सुरत जोड़। फिर वाहिगुरू जी दा सिमरन करिया कर। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई, महाराज कहंदे उन्हां दियां सारियां ही भुखां लै गईयां। नानक नाम विहुणिया, मोह काले उठ जाए। मोह काले तो भाव है काले मूँह नाल। महाराज कहंदे नाम तो बिना सखना रहन वाला मनुख इस संसार विचों मूँह काला ही लैके उठ जाता है। नाम तो बिना ये जीव का मूँह काला हुंदा है। नानक नाम विहूणिया, परमात्मा दे नाम तो जिहड़ा सखना है, जिहड़ा विहूणा है, जिहड़ा परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, महाराज कहंदे ओ मनुख काले मूँह ही संसार तो उठ जाते हैं। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे, मिल पंथ दसाई। दसाई तो भाव है मैं पुछां। हे प्यारे हरी मैनू गुरमुख मिला, मैनू रब दे नाल जुड़े हुए संत महात्मा दा मेल करा, जिन्हां नू मिल के मैं तेरा राह पुछां। हर सज्जन मेल प्यारे, मैनू अपने नाल जुड़े हुए प्यारे नाल मिला दे। मिल पंथ दिसाई, मैं उन्हां नाल मिल के तुहाडा राह पुछां। जो हर दसे मित तिस हों बल जाई, जो मनुख मैनू हरी मित्र की खबर दसे, मैं उस तो हमेशा ही सदके जाता हाँ, उस तो बलिहारे जाता हाँ। गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम ध्याई। महाराज उन्हां नाल मैं गुणा दी भ्याली पावां, सांझ करां ते हरी नाम सिमरां। जेड़े तेरे नाल जुड़े है कंखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। महाराज मेरे हिरदे विच चाह है, मेरे हिरदे विच तांग है, वे तुहाडे नाल जुड़िया होयां दी मैनू संगत मिल जाए, जिन्हां दी संगत करके मेरा भी पार उतारा हो जाए। मैं उन्हां दी संगत विच जावां, गुणां दी सांझ करां, अपने अंदरों औगण खत्म कर दियां। गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम ध्याई। उन्हां दी संगत विच जाके महाराज परमात्मा जी मैं तुहाडे नाम दा सिमरन करां। हर सेवी प्यारा नित सेव, हर सुख पाई। मैं सदा प्यारा हरी सिमरां ते सिमर के सुख लवां। हर सेवी प्यारा नित, नित तो भाव है हर रोज। मैं हर रोज प्यारे प्रभु नू सिमरां, सेव हर सुख पावां। सिमरदियां सिमरदियां मैं अपने अंदर नू सुखी कर लवां। जेड़ा मन सदियां तो सुखी नहीं होया, जेड़े मन विच चिंता है, अशांति है, महाराज जी मैं तुहाडा सिमरन करदे करदे अपने मन नू सुखी कर दियां, मेरा मन भी ठंडा हो जाए। बलिहारी सतगुर तिस जिन सोझी पाई। बलिहारी सतगुर तिस, मैं सदके हाँ उस सतगुर जियां तो, उस पूरे गुरु तो मैं सदके जाता हाँ, जिसने परमात्मा की समझ बख्शी है, जिसने वाहिगुरु जी के नाम की सोझी बख्शी है। सो ये सन जो अज सतगुर जियां ने श्री मुख वाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती। उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ जो आप जियां ने सरवण कीते हन जी, विचार करदे समय एक नहीं बेअंत भुल्लां हो गईयां, अणजाण बच्चे समझ के माफ़ करियो। महाराज कृपा करन, जो सतगुर जियां ने बख्शिश कीती है ये साडे हिरदियां दे अंदर वस जाए। असीं भी वाहिगुरु जी दे नाम विच रंगे जाइए, असीं भी परमात्मा दा सिमरन करना शुरू कर दईए, क्योंकि महाराज समझ बख्शदे हन, सूझ बख्शदे हन, उपदेश दिंदे हन भी परमात्मा दा नाम जप के ही मन नूं शांति मिल सकदी है, मन नूं ठंड मिल सकदी है, मन विच आनंद प्राप्त हो सकदा है। गुरु वाले बनो, अमृत छको जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।